जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नू मिलन गए सीनियर वकील एच एस फूलका और मुलाकात करन गए। सीनियर वकील एच एस फूलका अहम मुद्दे ते गलबात करन गए, विचार सांझे करन गए। दस दिए कि पटियाला हिंसा मामले नू लैके जथेदार साहब ने छे मते पास किए ने ते हुण अज सीनियर वकील एच एस फूलका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नू मिलन गए, अपनी गल रखन गए और विचार इस मुद्दे दे उत्ते सांझियां कीतियां जा सकदियां ने। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नू सीनियर वकील एच एस फूलका मिलेंगे। बीते दिन ही एक बैठक बुलाई गई सी, खास तौर ते उत्ते पटियाला हिंसा मामले नू लेके। ते दस दी कि इस समय जथेदार श्री अकाल तख्त साहब दी सीनियर वकील एच एस फूलका दे नाल मुलाकात जारी है। साढ़े सहयोगी परमवीर औलक इस समय फोन लाइन ते मौजूद ने। परम, जानकारी लेना चाहवांगे, मुलाकात इस समय जारी है, किहड़े मुद्दे विचारे जाण के? बिल्कुल, जेकर मनप्रीत गल करिए तां मुलाकात जिहड़ी है हुणे हुणे जिहड़े है एच एस फूलका पहुंच चुके ने, यानी कि 5 मिनट पहलां तां मुलाकात जिहड़ी आ उह जारी है। तुहानूं दस दईए कि श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार होरां दे नाल मीटिंग हो रही है, यह मुलाकात हो रही है। मनप्रीत, इत्थे थोड़े जिहे तथ्य दिखणे होणगे। तुसीं देखिआ होणा कि कल जथेदार साहिब दी मीटिंग हुंदी है हिंसा मामले नूं लै के, सिख जथेबंदियां दे नाल हुंदी है, 6 मते पास हुंदे ने, जिस विच जथेदार साहिब कहिंदे ने कि जिहड़ा जिहड़ियां सरकारां धक्के करदियां ने नौजवानां दे नाल, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्नी गल कह दित्ती है कोई भी खालिस्तान दा नारा लगाउणा शांतमई तरीके दे नाल कोई जुर्म नहीं हैगा सुप्रीम कोर्ट दे आर्डर ने, पर उहनां दा कहिणा सीगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों के बावजूद पंजाब के नौजवानों के उत्ते झूठे परचे दर्ज किए जा रहे हैं, सरकार गुरम ढा रही ने। सो इन्हों नौजवानों इन्हों नौजवानों के परिवारों के नाल श्री अकाल तख्त साहब खड़ा है, यानी कि कितना कि गल गल उन्होंने इन्नी गल जरूर कह दी कि असी उन्होंने नाल खड़े हाँ, जिन्हों के उत्ते सरकार झूठे परचे दर्ज कर दी ने। तो अज के दिन मनप्रीत एच एस फूलका जिहड़े कि सीनियर वकील ने, तुसीं देखिआ होणा कि सिख कौम दे सिखां दे कई केस लड़दे आए ने, अज उह पहुंचे ने श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नाल मुलाकात करन। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? बिल्कुल, जेकर असी वकील के पक्ष की भूमिका देखिए तो वकील का पक्ष की भूमिका मनप्रीत पहलों भी निभाते आए ने एच एस फूलका, इसे करके इन्होंने दाखा तो अपना हलका छड़िया सीगा, एमएलएशिप छड़ी सीगी, नाराज होकर पार्टी तो, पर वह कहते मैं अपने प्रोफेशन के बेची मैं अपने सिख कौम के नाल दगा नहीं कर सकता, सिख भरावों के नाल दगा नहीं कर सकता, इसे करके उन्होंने जोड़े है कोई 84 के केस थे वो लड़ने शुरू किए थे। जेकर असी गल करिए हुण दी तां तुसीं देखिआ होणा बलवंत सिंह राजूवाला दा जिहड़ा कैट दी पैरवाई है वह भी श्रोमणी कमेटी कर रही है, यानी कि वकील दूजे ने, पर कितने ना कितने असी कह सकते हैं बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके जां असी कह सकते हैं कि जिहड़े परचे झूठे दर्ज किए गए खालिस्तान के नारे लाउण नूं लैके कई नौजवानों के उत्ते जिहड़े परचे दर्ज किए गए, क्योंकि कानून तो उपर मनप्रीत कुछ नहीं हुंदा, क्योंकि जेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन्नी गल कह दित्ती है कि शांतमई ढंग नाल तुसीं नारा लगा सकते हो, खालिस्तान कह सकते हो, कोई गुरेज नहीं है, सो उसे नूं लैके परचा दर्ज करना कितना कितने मुनासिब नहीं हैगा। सो इसे नूं लैके नाराज कितना कितने श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार भी सीगे, ते अज मीटिंग हो रही है, देखदे आं की निकल के सामने। बिल्कुल बिल्कुल परम, तुहाडे कोलों लगातार अपडेट लैंदे रहांगे, इस खास मुलाकात जिहड़ी चल रही है इस उत्ते फिलहाल जिहड़ी जानकारी सांझा कीती है उस लई शुक्रिया।